गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ पे SI और CGS, पहले तुम्हें क्वेश्चन बता दो है क्या, हमने पढ़ा होगा SI और CGS यूनिट, जैसे मास, लेंथ और टाइम। मास SI मतलब बड़ा यूनिट जिसमें हम बोलते हैं kg, और CGS मतलब छोटा यूनिट ग्राम। लेंथ का मीटर, CGS में सेंटीमीटर। टाइम का सेकेंड, वहाँ पर भी क्या रहता है सेकेंड। तो ये कन्वर्ट करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 kg कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये SI है और ये CGS है। तो जैसे मास को हमने कन्वर्ट किया 1 kg 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उसी तरह जैसे बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से मैंने चुना किसको, वर्क को। अब जैसे हमने देखा फोर्स, उसके बाद वर्क, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी। फोर्स का जो यूनिट होता है तुमने देखा होगा न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है जूल, ये SI वाला है। इसका जो छोटा यूनिट होता है CGS, न्यूटन, वहाँ पे क्या होगा डाइन, ठीक है। जूल का अर्ग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10^7 अर्ग। आज तक सिर्फ पढ़ा है कि 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग, बट ये बनता कैसे किसी को पता नहीं, वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा, मैं एक सिखा दूंगा, इससे तुम सारे जितने यूनिट है कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो लेंथ हो, मास हो, चाहे प्रेशर हो, डेंसिटी हो, हर क्वांटिटी का यूनिट तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग, या फिर ऐसा था और शो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे दो यूनिट लेना है, जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क, अर्ग इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क। जूल इज अ SI यूनिट, अर्ग इज अ CGS यूनिट। तो हमें लिखना कैसे कि SI यूनिट इज इक्वल टू एक्स इंटू CGS यूनिट, ठीक है। SI में कौन है, जूल है, तो 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग। ये एक्स क्या है, 1 जूल की कीमत कितनी हमें मालूम नहीं, इसलिए मैंने क्या माना एक्स, ये पैटर्न से ही आना तुम्हें, 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग, तो वो एक्स निकालना है हमें, ठीक है। अब जूल ऐसा है, तो जूल इज SI यूनिट, अर्ग इज CGS यूनिट। अब इसके डायमेंशन लिखना है इन डायमेंशन फॉर्म। डायमेंशन में तीन है, मेरी लता इज इक्वल टू एक्स, मेरी लता, याद रखना। अब ये ऐसा है इसलिए मैं यहाँ पे सफिक्स यूज करूँगा, 1 1 1, और CGS के लिए 2 2 2। तो हमेशा रखना जो ऐसा है उसके लिए सफिक्स 1 1 1, जैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और CGS के लिए 2 2, सिंबल बोलते हैं ना, जैसे 1 किसके लिए, SI के लिए, 2 किसके लिए, CGS के लिए। बट डायमेंशन ऑफ वर्क हमने पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी लता 112, लास्ट में माइनस। डायमेंशन मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, क्या आएगा L1, तो MLT 1, 1+1 LL 2 माइनस 2, ये तुम्हें याद होना चाहिए। मेरी लता 122 वर्ग का, किसका, वर्ग का। ऑलरेडी हम इसको कैसे आता है मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो तुम्हें डायरेक्ट याद करना है, कैसे आता है उसकी कोई गरज नहीं है। तो ये शॉर्टकट है, तुम्हें सिर्फ नंबर याद होना चाहिए,
फोर्स का मेरी लता फोर्स 112 वर्क 122 लास्ट में माइनस तो यहाँ पे 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 ऊपर वाला क्या रहेगा डायमेंशन नीचे वाला सफिक्स तो बस इतना ही करना है मेरी लता ऐसा है 1 1 1 ये 2 2 2 ऊपर उसका डायमेंशन वर्क का 122 122 लास्ट में माइनस एक्स निकालना है तो इसको नीचे ले लो ऊपर ऐसा है नीचे सीजीएस तो एक्स इज इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा मेरी लता 122 1 1 1 डिवाइड अभी नीचे आ गया सेम मेरी लता 122 2 2 2 इजी था ऐसा है इक्वल टू एक्स इंटू सीजीएस ऐसा इट वर्क है किसका है वर्क का 1 जूल इक्वल टू एक्स आर फिर मैंने लिखा डायमेंशन फॉर्म डायमेंशन मतलब मेरी लता ऐसा के लिए 1 1 1 सीजीएस के लिए 2 2 2 और उसका डायमेंशन वर्क का डायमेंशन 1 2 माइनस 2 तो 122 लास्ट से माइनस लिख दिया तो एक्स निकालना था ऊपर ऐसा है नीचे सीजीएस अब क्या करना है मेरी मेरी लता लता तेरी तेरी साथ में लेना है तो मास वाले को साथ में लेना है लेंथ वाले को साथ में लेना है और टाइम को साथ में लेना है तो x इज इक्वल टू एम एम एल एल टी टी ऊपर का जो डायमेंशन है कॉमन है डायमेंशन कॉमन 1 2 माइनस 2 ऊपर सफिक्स 1 2 1 2 1 2 तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 2 2 ठीक है m मतलब मास l लेंथ t टाइम तो जो मास है m उसके दो यूनिट थे एक बड़ा और एक छोटा बड़ा कौन था kg छोटा कौन था ग्राम तो तुम्हें लिखना वहां पे ऊपर ये 1 1 ऐसा यूनिट नीचे सीजीएस यूनिट तो मास किसमें आएगा केजी में और ये किसमें आएगा ग्राम में ये मीटर में ये किसमें सेंटीमीटर में टाइम हमेशा सेकंड में नीचे भी सेकंड 1 1 1 ठीक है पावर कितना है 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 अब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम बताया मैंने इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 0 कितने 0 3 तो 0 के ऊपर 3 लिखने का मतलब 10^3 1 meter इज इक्वल टू 100 cm तो कि सर पावर के फॉर्म में बेटा 10 लिखा ना कितने 0 है 2 तो 0 के ऊपर 2 मतलब 10^2 ग्राम और ये सेंटीमीटर तो 1 kg इज इक्वल टू 10^3 ग्राम 1 meter इक्वल टू 10^2 ग्राम तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसका मतलब वही है 10 के ऊपर 3 मतलब कितने 0 ये 1 ऐसे ही रहता है 0 मतलब 1 2 3 तरीका वो है तो रॉन्ग नहीं हो तुम्हारा अब उसे पुट करना है तो x इज इक्वल टू 1 kg की कीमत ये 10^3 ग्राम नीचे ग्राम ऐसे ही रहेगा सिर्फ ऐसा वाला पुट करना है पावर कितना है 1 1 meter इज इक्वल टू 10^2 cm तो 10^2 cm अपॉन क्या है सेंटीमीटर सेकेंड वही रहेगा चेंज नहीं होगा 1 second upon 1 second अब उसके पावर 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 देखो ग्राम ग्राम कट सेंटीमीटर कट ये पूरा कट तो x इज इक्वल टू 10^3 रेस टू 1 चिपक के मतलब वो इन टू 10^2 उसका क्या है स्क्वायर ये तो पूरा कट गया 1 रेस टू -2 एक्स 10^3 1 जा 3 2 2 जा 4 1 का कोई पावर रहेगा तो आंसर क्या रहेगा 1 x^2 x^3 पढ़ा था सातवीं में इन टू रहेगा ऊपर क्या होता है एडिशन 2 + 3 कितना होता है 5 तो नीचे सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 4 + 3 7 एक्स इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 10^3 + 4 7 इंटू 1 तो ये आंसर आएगा 10^7
वन इंटू कुछ भी करो, तो तुम इतना मत करो, डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना कर दिया ना, उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, उसके बाद वही लिखो जो प्रूफ करने बोला है, लिख देने का x इज इक्वल टू 10^7। ठीक है, तो x की वैल्यू 10^7 आ गई। अब उसको तुम्हें यहाँ पे रखना है, इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन वन। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये है तुम्हारा इक्वेशन वन। क्या था, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग था, एक्स का वैल्यू कितना मिला है 10^7, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, यही था तुम्हारा प्रूफ। बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए कंपल्सरी पूछा जाता है। ठीक है, तुमने अगर ये किया, मैं तुम्हें अभी शॉर्टकट ट्रिक्स देने वाला हूँ, इसके ऊपर 10, 12, 15 सब कर सकते हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखो, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, सर अगर कुछ और पूछा, उन्होंने कह दिया फोर्स का निकालो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 तो क्या करेंगे, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक्स देता हूँ, क्या करना है देखो, ये जो पावर है ऊपर का डायमेंशन, ये वर्क है, उसे हटा दो, ठीक है, अब समझो यहां पे आ गया फोर्स, क्या आ गया फोर्स, तो यहां पे आएगा न्यूटन, यहां पे आएगा फाई और यहां पे आएगा डाइन, ये पैटर्न है, ऐसा है एक्स इजेस फिक्स रहेगा, बस यहां पे कौन रहेगा न्यूटन और यहां पे रहेगा डाइन, तुम्हें वही करना है, बाकी ऐसे ही पूरा पैटर्न चलेगा, कोई चेंजेस करना नहीं तुम्हें। ठीक है, देखते क्या आता है। अब न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन मेरी लता 112, लास्ट में माइनस, ठीक है, 1, 1, -2। अब तुम्हें क्या करना है, ये पैटर्न है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये कोई बना के देगा नहीं, ये सिर्फ मैं ही बना के देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये पैटर्न है, कोई भी आयो तुम इतना लिखो ऐसे अच्छे से, उसके बाद क्या पुट करना बताता हूँ मैं। अब देखो फोर्स का पूछा, सिर्फ तुम्हें नंबर चेंजेस करने, 112, 1, 1, -2, न्यूटन डाइन सब सेम पैटर्न रहेगा, 1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2, सब सही गए, 1, 1, -2, 1, 1, -2, चलो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और ये 1, 3+2, 5 आ गया। अगर गलती से फोर्स का पूछा है, तुमने वर्क का कर दिया, कोई बात नहीं, तुम चेंज कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ वो नंबर याद रखना है, ऐसे प्रेशर डेंसिटी कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये ट्रिक्स है। ठीक है,